हेलो दोस्तों, स्वागत है रेलफिन्स आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट अपलोड किया था, तो उस वीडियो में कमेंट आया है कि प्लीज़ बताइए कि जो कि श्रीरामपुर आसाम से लेकर बोंगाईगांव यानी सेक्शन में जो कि CRS इंस्पेक्शन होना बाकी था, तो वो इंस्पेक्शन आखिर में हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, विथ प्रूफ में आप लोग ऑन स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए जो कि बैनर आप लोग को दिख रहा है। तो इससे कंफर्म होता है कि जो कि ऑन 7th ऑफ अक्टूबर जो कि श्रीरामपुर असम से लेकर बोंगाईगांव सेक्शन में CRS इंस्पेक्शन हो चुका है। और अभी आप लोग बेफिक्र रहिए, मतलब जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन रूट पूरा ओपन हो गया है तिल दिल्ली तक। आप लोग अभी विथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ मज़ा उठा सकेंगे। जो कि जर्नी होगा आप लोगों का जो कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में कीजिए या राजधानी एक्सप्रेस में कीजिए, तो इन सारे ट्रेनों में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स लगने वाला है टिल न्यू दिल्ली। और साथ ही कुछ बेनिफिट्स होने वाला है दोस्तों इस इलेक्ट्रिफिकेशन होने के साथ साथ, इस इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कंप्लीट होने के साथ साथ दोस्तों। तो वो बेनिफिट क्या है तो मैं वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बोलूँगा। तो अगर इस चैनल में आप लोग पहली बार के लिए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर कुछ भी बेनिफिशियल है, इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को लगा और नॉलेजेबल भी लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया वीडियो के पहले में, श्रीरामपुर असम से लेकर बोंगाईगांव के बीच में CRS इंस्पेक्शन हो चुका है, और न्यू बोंगाईगांव से जोगीहोपा सेक्शन में भी दोस्तों, अच्छे से सुन लीजिए आप लोग, CRS इंस्पेक्शन हो चुका है ऑन 8th ऑफ अक्टूबर को, और साथ ही 9th अक्टूबर को कामाख्या से लेकर गुवाहाटी सेक्शन में इंस्पेक्शन हो चुका है CRS इंस्पेक्शन। और अभी फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड रूट है फ्रॉम गुवाहाटी से लेकर टिल आप लोग जहाँ तक भी आप लोग जाना चाहते हैं, यानी इंडियन रेलवेज के हर एक पार्ट में अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स पहुंचाया जाएगा। और साथ ही पूरे होल NFR में बहुत जल्द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी तो सिर्फ गुवाहाटी तक ही हुआ है, और गुवाहाटी से भी अभी और आगे बाकी है, तो वो सब भी कम्प्लीट होगा बहुत जल्द। तो अभी आते हैं जो कि बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है। NF रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ट्वीट्स किया है, तो 13 ट्वीट्स किया गया है, तो उन 13 मेन जो कि बेनिफिट होने वाला, 13 बेनिफिट ट्वीट्स किया गया है ट्विटर अकाउंट पर। तो वो ट्वीट्स क्या क्या है और वो 13 बेनिफिट एक्चुअली क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है हम लोगों को, यानी पैसेंजर्स को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, और साथ ही NFR ऑफिशियल्स को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो सब कुछ मैं ऑन वीडियो में आप लोग अभी बोलूँगा इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऑन स्क्रीन भी मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला बेनिफिट देख सकते, एडिशनल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कैन नाउ बी इंट्रोड्यूस फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन इंट्रोड्यूस कर सकेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और नया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन इंट्रोड्यूस कर सकेगा, वही बोलना है पहला बेनिफिट। और सेकंड बेनिफिट जो कि है, 15 पेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट गुवाहाटी एंड कामाख्या कैन रन विथ एन एडिशनल पैसेंजर कोच, तो एडिशनल पैसेंजर कोच के साथ रन किया जा सकेगा अभी, एलिमिनेटिंग वन पावर कार। तो पावर कार जो कि होता है हर एक कोच पर, यानी दो होता है, तो एक एलिमिनेट कर सकेगा और उसके बदले एक नया कोच लगाया जा सकेगा, तो वही बोला है। तो 10 इम्प्रूविंग पैसेंजर थ्रोपुट बोला गया है तो दोस्तों। और तीसरा बेनिफिट जो कि है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। NF रेलवे हैव डिफिकल्ट टेरेन विथ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेडेड सेक्शंस, कर्व्स, ब्रिजेस, तो हिली सेक्शंस में एक्चुअली कर्व्स बहुत ज़्यादा होता है, और यानी NFR जोन ऐसा एक जोन है जहाँ पर कर्व्स फिर ब्रिजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जिसमें मतलब जैसे कि हिली एरिया में ड्यूल लोकोमोटिव का ज़रूरत होता है एक गुड्स ट्रेन या एक पैसेंजर ट्रेन को पुल या पुश करने में, तो इसीलिए अभी जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आने के साथ साथ ये जो कि एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़ मैं बोलूँगा, तो ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करना नहीं पड़ेगा रेलवेज को। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो डीजल लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रिक के, मतलब इलेक्ट्रिक से ज़्यादा अभी जो कि डीजल लोकोमोटिव का जो कि 6G लोकोमोटिव्स का जो मॉडल आया है नया NFR में, तो मुझे वो ज़्यादा एक्चुअली पावरफुल लगता है। तो आप लोग का क्या बोलना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा दोस्तों। चारवा जो कि बेनिफिट है, जो कि रनिंग टाइम बिटवीन गुवाहाटी टू कतिहार और मालदा टाउन इज़ लाइकली टू रिड्यूस अप टू टू आवर एज ट्रेन्स कैन नाउ मूव एट हायर स्पीड ड्यू टू बेटर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। तो कटिहार, गुवाहाटी से कटिहार हो या मालदा टाउन तक, तो 2 घंटा बचा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेव होगा, 2 आवर्स सेव होगा इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कम्प्लीट होने के साथ साथ दोस्तों, यही बोलना है, क्योंकि ये बहुत ही हायर स्पीड में चलाया जाएगा विथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ, जो कि पैसेंजर ट्रेन या गुड्स ट्रेन हो।
तो अभी आते हैं जो कि पांचवा बेनिफिट है, तो लाइन कैपेसिटी एनहेंसमेंट ऑफ अप टू 10-15%, जो कि लाइन एनहेंसमेंट कैपेसिटी यानी मूविंग ऑफ ट्रेन्स के बारे में बोला गया है दोस्तों। सेल लीड टू रिड्यूसिंग लेवल ऑफ सेचुरेशन ऑन मेनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ द NF रेलवे, अलाउइंग मोर कोचिंग ट्रेन्स टू रन। तो और ट्रेन्स अलाउ कर सकेगा अभी ट्रैक्स पर रन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम सेव होगा। और जैसे कि आप लोगों को परसेंटेज दिखाई दिया मैंने 10-15% बोला गया NF रेलवे की तरफ से, आप लोग खुद भी अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो कि बेनिफिट्स है मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। तो 6 नंबर बेनिफिट जो कि होने जा रहे हैं दोस्तों, लाइकली सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड ऑफ HSD यानी हाई स्पीड डीजल ऑयल ऑफ अबाउट 300 करोड़ पर एनम बचाया जा सकेगा अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आने के साथ साथ, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन्स आने के साथ साथ 300 करोड़ का जो कि डीजल में खर्चा होता था, तो अभी ₹300 करोड़ तक पर एनम तक बचाया जा सकेगा। तो यही बोलना है। और साथ ही जो कि 7th नंबर बेनिफिट में आप लोगों को बोलने जाना 7 and 8, तो यह में लिखा गया है HSD ऑयल कंजम्पशन विल रिड्यूस अबाउट 3400 किलोलीटर पर मंथ बचाया जा सकेगा। यही बोलना है हाई स्पीड डीजल ऑयल जो का कंजम्पशन है, जो कि कंजम्पशन है हाई स्पीड डीजल ऑयल का, तो वो बचाया जा सकेगा दोस्तों। टोटल 3400 पर मंथ किलोलीटर पर मंथ बचाया जा सकेगा, तो यही बोलना है NF रेलवे का। और साथ ही 8th जो कि 8वां जो कि बेनिफिट है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन विल लीड टू बेटर मेंटेनेंस एज फास्टर ट्रेन्स शैल लीड टू मोर टाइम फॉर मेंटेनेंस ब्लॉक्स। तो आप लोग जैसे कि देखा है मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया, तो इलेक्ट्रिफिकेशन विल लीड टू बेटर मेंटेनेंस एज फास्टर ट्रेन्स शैल लीड टू मोर टाइम फॉर मेंटेनेंस ब्लॉक्स, तो यही बोलना है NF रेलवे का। और साथ ही जो कि 9th नंबर बेनिफिट है, तो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। बाय शिफ्टिंग इंजन चेंजिंग पॉइंट टू द टर्मिनेटिंग पॉइंट मिड वे चेंजिंग ऑफ क्र्यू ड्यू टू ट्रैक्शन चेंज कैन नाउ बी अवॉइडेड। तो जो कि क्र्यू यानी जो कि लोको पायलट जो कि चेंज होता था, तो वो अभी सेव किया जा सकेगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा बल्कि सेव होगा। तो वही बोलना है सेविंग टाइम एंड मैन पावर। तो 10वां जो कि है बेनिफिट, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ड्यू टू रिड्यूस लाइट इंजन मूवमेंट ऑफ लोकोस फॉर फ्यूलिंग पर्पोज। तो जैसे कि डीजल लोकोमोटिव चलाने से बहुत ही ज़्यादा फ्यूल का ज़रूरत होता था, उसके लिए जो कि फ्यूल के लिए लोकोमोटिव्स एक्स्ट्रा से मूवमेंट करना पड़ता था, क्योंकि हर एक स्टेशन पर नहीं होता है फ्यूल का जो फैसिलिटी होता है जो कि इंजन पे फिल किया जाता है, तो उसके लिए मूवमेंट करना पड़ता था। बट अभी उसका भी उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ जाता था जो कि ट्रैक्स पर, तो इसीलिए अभी वो सब फेस करना नहीं पड़ेगा रेलवेज को, वही बोलना है। और साथ ही 11वां नंबर का जो कि बेनिफिट है, तो विथ इलेक्ट्रिफिकेशन हैवियर गुड्स ट्रेन्स कैन बी रन एट हायर स्पीड। तो हैवियर जो कि बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स ट्रेन्स होता है, तो वो सब अभी बहुत ही फास्टर स्पीड में चलाया जा सकेगा एज इलेक्ट्रिफिकेशन रूट इज़ फुल्ली कम्प्लीटेड टिल गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक। और साथ ही 12वां और 13वां दो लास्ट बेनिफिट्स में आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। नंबर 12, ड्यू टू सिमलेस ट्रेन ऑपरेशन ट्रैक्शन चेंज एट न्यू जलपाईगुड़ी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था शायद न्यू कोच बिहार में अभी लोको चेंज नहीं होगा क्योंकि गुवाहाटी तक फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, तो इसीलिए यही इस अपडेट में भी यही बोलना है 12वां बेनिफिट में। तो न्यू जलपाईगुड़ी न्यू कोच बिहार विल नाउ बी डन अवे विथ एनहेंसिंग मोबिलिटी ऑफ द ट्रेन्स। तो आप लोग देख सकते हैं ड्यू टू सिमलेस ट्रेन ऑपरेशन ट्रैक्शन चेंज एट न्यू जलपाईगुड़ी न्यू कोच बिहार विल नाउ बी डन अवे। तो आप लोग समझ सकते हैं इस लाइन में। और साथ ही बेनिफिट नंबर 13 एंड दिस इज द लास्ट बेनिफिट जो कि NF रेलवे का बोलना है। तो इलेक्ट्रिक लोकोज सेल एनेबल रिप्लेसिंग प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग पावर कार्स एंड लिंक होफमैन बुश यानी LHB कोचेस के बारे में बोला गया है, फिटेड ट्रेन्स विथ HOG कंप्लीट लोकोज। दिस सेल लीड टू लार्ज सेविंग ऑन फ्यूल फॉर पावर कार्स अबाउट रुपीज, जो कि जनरेटर कार्स होता है, एक्चुअली जनरेटर कार्स के बारे में बोला गया है जो कि कोच में लगाया जाता है, तो उसमें भी फ्यूल का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी अभी बचाया जा सकेगा क्योंकि जो कि HOG टेक्नोलॉजी है तो वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा। अभी HOG टेक्नोलॉजी का जो कि जनरेटर कार होता है तो उस वो सिर्फ इलेक्ट्रिक से चलेगा, तो इसीलिए डीजल नहीं लगेगा उसमें, तो इसीलिए जो कि डीजल का बहुत ही ज़्यादा मतलब सेव हो जाएगा, जो कि कॉस्ट अराउंड 10 करोड़ का जो कि लागत था तो वो अभी नहीं होगा, अबाउट ₹10 करोड़ ऑन द इलेक्ट्रिफाइड रूट इट्सेल्फ। तो दोस्तों यही बोलना है। तो इस अपडेट को, इस इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट को आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, और साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और
एक नया वीडियो आ रहा है, बहुत ही खास वीडियो, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।